каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हो यहाँ पे एमआरएफ का टायर रखा हुआ है। ये है 130/70/17 सेक्शन का। यहाँ देखो टायर सेक्शन लिखा हुआ है और मेरी वाली का टायर बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा था। यहाँ देखो, यहाँ ये फूल चुका है टायर यहाँ पे ये, तो इस वजह से इसको चेंज करवाना काफ़ी नेसेसरी हो गया था। और ये वाला अभी जो टायर सेक्शन लगा है वो 120/80/17 का लगा है, तो एक साइज़ अपग्रेड कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि ठीक है वो थोड़ा मेरे को अच्छा भी लग रहा था उसकी ग्रिप भी, तो इस वजह से और बढ़ा रहा हूँ इसको मैं। और थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, थोड़ा लुक भी इनहेंस हो जाएगा बाइक का। और ये इस वाले से ग्रिप बिल्कुल नहीं मिल रही थी, मैं सोचा एक बर्नआउट भी मार लेते हैं, तो एकदम सुनसान है इधर, शांति है, तो यहाँ बर्नआउट मार लेता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं जब टायर चेंज करवाते हैं और कॉस्टिंग वगैरह सब लास्ट में बता दूँगा। टायर खुलवा रहे थे हम, ये देखो खोल दिया है टायर। तभी तो उसने चश्मा लगाया है कि अच्छा लगे। तो भाई अभी हम लोग आए थे इससे, उसमें भी पेट्रोल नहीं है, झटके उठके मार रही थी और लहरा बहुत भयंकर रही थी। मतलब मेरे पास ब्लॉगिंग सेटअप, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप नहीं था, मेरा मतलब गोप्रो नहीं था, तो ऐसे समझा नहीं पाऊँगा। ऐसे ऐसे हो रही थी गाड़ी, ऐसे 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 ऐसे। तो अब टायर अपना आ चुका है। हाँ, बड़ा है, लग जाएगा, बस तुम अपनी शिद्दत से लगाना, लग जाएगा सब। नहीं, गड़बड़ मत करना, ये चीज़ ध्यान रखना कि गड़बड़ ना करना। और जिस तरफ स्लीक्स हैं ऊपर की तरफ, उसी तरफ को स्लीक्स रखना इसके, ये जो लाइनें हैं ये वाली, ये ऊपर रखना, ठीक, वो चीज़ ध्यान रखना। वो फिर ग्रिप वो नहीं मिलती जो ग्रिप मिलनी चाहिए। आगे वाले टायर की ऊपर रहती है, पीछे वाले टायर की भी ऊपर रहती है, दोनों एक लाइन एक तरफ नहीं रहती। ये जो एरो नहीं आता है, कहाँ चला गया ये वाला एरो, ये एरो, हाँ इस तरफ को घूमना चाहिए, हाँ आगे को होना चाहिए। क्या कह रहे हो? कहाँ पे? तेल ख़त्म हो गया है गाइस, और हम लोग मैकेनिक की बाइक लाए थे नरेंद्र की, तो उसमें ऑयल ही नहीं है, आई मीन पेट्रोल ही नहीं है। ये रहा टायर, अब कैसे जाएं हम लोग शॉप तक।
तो गाइस गाड़ियों पे गाड़ियां बदल रहा हूँ, अब स्कूटी पे आ गया हूँ मास्टरों पे। देखो ये रखा टायर और वो नरेन जा रहा है, वो ब्लेड ना बंद हो गई थी आते टाइम। देखो पीछे अपना टीवीएस यूरो ग्रिप रखा है, अब हम लोग इससे जा रहे हैं, पहुँचेंगे शॉप पे, फिर लगवाते हैं इसको, फिर देखते हैं कैसी गाड़ी दिखती है, कैसी चलती है, क्या ग्रिप मिलती है इसकी गाड़ी का। टायर देखो पीछे वाला कितना बढ़िया चल रहा है भाई, सोचो ऐसे बता रहा था ना मैं, ये लहरा रही है गाड़ी, आते टाइम मेरे से स्टार्ट ही नहीं हुई, तो फिर माइस्ट्रो मंगाई, फिर अब इससे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है फिर मिलते हैं शॉप पे। सो टायर वायर लग चुका है और ये वीडियो मैं 2-3 दिन बाद शूट कर रहा हूँ, मतलब कंप्लीट कर रहा हूँ, और वो इसलिए 2-3 दिन बाद कंप्लीट कर रहा हूँ, मैंने सोचा थोड़ा चलाऊँ ला के देख लिया जाए कैसी चल रही है। हाँ 200-300 किलोमीटर तो चली चुकी है इस वाले टायर पे। तो टायर का सेक्शन देख लो, 130/70 MRF, ये देखो लिखा हुआ है S1 है, जेपर S1, नायलॉन जेपर S1। सो ऐसे पीछे से अगर लुक देखोगे तो कुछ इस तरह से दिख रही है ऐसे, और इधर से ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है का ना, ज़्यादा वाइड है और ना ज़्यादा स्किनी है, तो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिल रही है और टॉप स्पीड में कोई भी मतलब डाउनफॉल नहीं आया, जितनी पहले जाती थी उतनी ही अभी भी जा रही है, तो ये चीज़ है। यहाँ से टायर का लुक काफ़ी सही दिखता है, देखो ये, और ऐसे भी कोई स्किन ही नहीं दिखता टायर, साइड प्रोफाइल से देखें तो काफ़ी वाइड है, मतलब ठीक है, बोझ R15 जैसे ज़्यादा वाइड नहीं है। R15 में 140 सेक्शन आता है और ये 130 है। ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल रही है और यही चाहिए ही, और क्या चाहिए। हगर पे भी टच नहीं हो रहा, हगर पे भी काफ़ी स्पेस है, तो देख सकते हो इधर ये चीज़ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टायर की कॉस्टिंग है 3000 रुपीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।